वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन दिस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, वेलकम यू ऑल। टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न फॉर बीकॉम फोर्थ सेमिस्टर। सो आज हमने इनकम टैक्स का नया सेम से हिसाब से सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कसिंग करने वाले। तो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स को गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को सिलेबस में दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आज हम जो भी सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा फोर्थ सेमिस्टर का डायरेक्ट टैक्स सिलेबस से रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस हमें गिवन है। तो हम आज इनकम टैक्स में कौन कौन से चैप्टर गिवन है, उसमें क्या क्या सिलेबस में गिवन है और उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके बारे में आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको पता है कि जो भी सिलेबस होता है हमें आरटीएम एज पर आरटीएम रूल चार यूनिट में डिवाइड होता है, तो ये इनकम टैक्स का सिलेबस भी हमें चार भागों में डिवाइड, चार यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर टू, यूनिट नंबर थ्री एंड देन यूनिट नंबर फोर। तो यूनिट नंबर वन में हमें दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड रेसिडेंटल स्टेटस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स क्या है और उससे रिलेटेड रेसिडेंटल स्टेटस क्या बनता है, ये टोटल सिलेबस हमें यूनिट नंबर वन में दिया है। तो उसमें दिया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसी क्या होता है, असेसी के टाइप क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में हम देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। अभी ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या है, तो मैंने पहले ही बोला आपको कि हमारे पास दो टैक्सेस रहते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हम जो भी हेड कैलकुलेशन करते हैं उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल हेड, ग्रॉस टोटल इनकम। तो उसके पांच हेड है, टोटल कितने हेड है, पांच हेडों में उसको डिवाइड किया जाता है और उसमें से तीन हेड हमें सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो पांच हेड कौन से रहते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि हम जब भी इनकम कमाते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर से इनकम कमाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब क्या है, तो जो भी सैलरी पर्सन है उसको कंपनी या गवर्नमेंट के तरफ से सैलरी मिलती है, तो उस केस में उसकी सैलरी क्या रहती है, उसके कैलकुलेशन कैसे टैक्सेबल करेंगे, उसमें कौन से अलाउंसेस रहते हैं, कौन से परक्यूजिट रहते हैं, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी किस लोगों के पास ज़्यादा हाउस रहते हैं, एक से ज़्यादा हाउस रहते हैं, और जब भी एक से ज़्यादा हाउस रहते हैं तो वो हम क्या करते हैं, हाउस के रेंट पर देकर उससे क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। अगर हाउस से रिलेटेड आप जब इनकम जनरेट करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। उसे उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये भी हमें इनकम टैक्स के ग्रॉस टोटल अंडर के हेड में, ग्रॉस टोटल इनकम के हेड में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनकम का नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब बिजनेस तो आप लोगों को पता है। ठीक है, जब भी हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस का मतलब होता है कि ट्रेडिंग का बिजनेस रहे या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस रहे, उससे हम इनकम जनरेट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशन में इनकम जनरेट करते हैं, तो आप बोलेंगे ये प्रोफेशन क्या होता है, जैसे कि वकील का प्रोफेशन होता है। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट क्लासेस, कोचिंग क्लासेस का प्रोफेशन होता है। ठीक है, डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, मतलब वो किसी के तरफ सैलरी पे काम ना करते हुए खुद का एक प्रोफेशन क्रिएट करके, खुद का एक प्रोफेशन क्रिएट करके उसके उसे क्या करता है, इनकम जनरेट करते हैं, तो उसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, तो हमें इनकम टैक्स के अंडर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन क्या रहता है उसका कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, ये भी हमें डायरेक्ट टैक्स के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं इनकम कमाने के लिए, एक लैंड परचेस की और दूसरे कुछ साल बाद रखी और बेच दी, मकान परचेस किया कुछ साल बाद रखा और बेच दिया, ऐसे क्या करते हैं, हाउस परचेस करते हैं और उसको सेल्स करते हैं। तो ये जो भी ये रहता है, मतलब जो भी ये असेट्स रहती है, तो उसको हम कैपिटल गेन में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिटल असेट्स। और कैपिटल असेट्स में जो भी है तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये भी हमें इनकम टैक्स के अंडर दिया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला प्रोफेशन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब क्या, ये जो चार हेड हमने बताए थे, नंबर वन इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर टू हाउस प्रॉपर्टी, नंबर थ्री बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर फोर्थ इन कैपिटल गेन, इनमें से अगर इनकम रिलेटेड नहीं करता है तो हम उसको लास्ट हेड में कैलकुलेशन करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो लास्ट हेड में कौन से ये आते हैं, तो ये हम सिलेबस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो जनरली ओवरव्यू करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि किसी ने अपना कार्ड से इनकम कमाया हो, ठीक है, किसी को लॉटरी लग गई हो, ठीक है, ये जो इनकम है, या किसी ने मेरे पास ज़्यादा पैसे है तो मैंने बैंक में लेके जाके उसको एफडी कर दी, उसका इंटरेस्ट हो, ये सब इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी नए नए हेड आते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स में हमको 5 हेड दिया है, उसमें से कुछ हेड हमें इधर सिलेबस के अंदर दिया है, इसका डिस्कशन हम अभी सिलेबस के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ही कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के अंदर हम बेसिक जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि उसमें अभी हमने डिस्कशन किया है असेसी, टाइप ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है, ये सब हमारा जो भी पार्ट है वो बेसिक कंसेप्ट के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेसिडेंटल स्टेटस। अभी रेसिडेंटल स्टेटस क्या है, तो जो भी इनकम टैक्स के कैलकुलेशन होता है वो रेसिडेंटल स्टेटस के हिसाब से होती है, ठीक है। तो रेसिडेंटल स्टेटस में उसके टाइप क्या रहती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंटल स्टेटस क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंटल क्या है, ये सब हम रेसिडेंटल स्टेटस में डिस्कस करेंगे। रेसिडेंटल स्टेटस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप जो भी इंडिया में, मतलब इंडिया के हो या इंडिया के नहीं हो, उसके हिसाब से रेसिडेंटल स्टेटस का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ये सब हम यूनिट नंबर वन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर सेकंड पे, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का मीनिंग क्या है, जो भी सैलरी पर्सन रहते हैं, ठीक है, तो सैलरी पर्सन के हिसाब से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि सैलरी किस फॉर्म में लेनी है, अलाउंसेस के फॉर्म में नहीं लिए, परक्विजिट के फॉर्म में लेनी है, पीएफ ईपीएफ का कैलकुलेशन कैसा है, उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हम देखेंगे कि अलाउंसेस कितने टाइप की होती है, ठीक है, टाइप ऑफ अलाउंसेस क्या होती है, सबसे पहले तो अलाउंसेस क्या है ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ अलाउंसेस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद टैक्सेबल अलाउंसेस क्या है वो डिस्कस करेंगे, टैक्स फ्री अलाउंसेस क्या है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आता है वो रहता है परक्विजिट। परक्विजिट में भी हम देखेंगे कि टैक्स फ्री परक्विजिट कौन से है, टैक्सेबल परक्विजिट कौन से है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या रहती है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, उसके ट्रीटमेंट सैलरी के अंडर कैसे करती है, ये सब कैलकुलेशन हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा यूनिट हमारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि हमने जो इनकम जनरेट किया वो हाउस से रेंटल वैल्यू से जनरेट किया है, ठीक है। अगर हाउस के रेंटल वैल्यू से आप इनकम जनरेट करते हो तो उस केस में कहा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस होते हैं, आप उसको रेंट से दे दो या मत दो, फिर भी गवर्नमेंट आपको वो हाउस पर क्या करते हैं, टैक्स जनरेट, मतलब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। हर किसी को एक हाउस की मुभा होती है, ठीक है, एक हाउस उनको फ्री रहता है, उसके लिए कोई भी चार्ज इनकम टैक्स के अंडर नहीं होता है, ठीक है। बट अगर एक से ज़्यादा हाउस आपके पास हो और उससे आप इनकम जनरेट करते हो तो, या नहीं भी करते होंगे, अगर एक से ज़्यादा हाउस है तो उसको उसके अंडर आपको इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उस पर टैक्सेबल कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी एन्युटी वैल्यू क्या होती है, फुल्ली एग्जम्प्टेड डिडक्शन क्या होते हैं, फुल्ली एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डिडक्शन कितनी मिलती है, उसके बाद डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन क्या होता है, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर फोर्थ पे। तो यूनिट नंबर फोर्थ पे हमें दिया है डिडक्शन एंड इनकम टैक्स के स्लैब गिवन है, ठीक है। जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इनकम टैक्स के कुछ स्लैब रहते हैं, उस स्लैब में हमको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि हर साल अपने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर वो इनकम टैक्स के स्लैब
क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, लोकसभा बोलो या विधानसभा बोलो, उसमें क्या करते हो, डिस्कस करते हैं और वो स्लैब रेट हमें बताए जाते हैं, ठीक है। तो उस स्लैब रेट के हिसाब से हम पर क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं कि डिडक्शन कौन से, उस पर। तो पहले तो ये कि इनकम फ्रॉम स्लैब रेट क्या होती है, ठीक है, उसमें से विच इनकम डू नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसमें से कौन सा इनकम हमारे इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DDB, 80E, 80G, 80U एंड 80, ये सब क्या है, तो ये डिडक्शन है। जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि डिडक्शन के अंदर कि आपने इतना इनकम जनरेट किया, इतना टोटल ग्रॉस हो गया, ठीक है, टोटल ग्रॉस इनकम हो गया, उसमें से आपको क्या मिलते हैं, डिडक्शन मिलते हैं। तो ये ABCD नहीं है जो मैंने अभी आपको सुनाई है, ठीक है। तो ये क्या है, डिडक्शन के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, 80C रहता है, 80CCC रहता है, 80CCD रहता है। तो ये डिडक्शन क्या होती है, उसके बारे में हम टोटल डिटेल डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर, ठीक है। और उसमें से प्रॉब्लम आएगा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कि अदर सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अदर सोर्सेस मतलब क्या होते हैं, कि जो चार हेड के अंदर नहीं आती वो सभी इनकम अदर सोर्सेस के अंदर आती है। तो हम उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या, कौन कौन से इनकम आती है, ठीक है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से हमको टोटल 4 यूनिट का कैलकुलेशन गिवन है और 4 यूनिट में हम जो भी उसमें से देखो, ग्रॉस टोटल इनकम में मैंने बताया 5 हेड, उसमें से 3 हेड ही आपको इनकम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना सिलेबस। सिलेबस के बाद अब बात आती है कि इसका पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, ठीक है, टोटल प्रैक्टिकल है कि नहीं है, इसका पूरा का पूरा डिटेल समरी हम यहाँ पर लेंगे इनकम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी को पता है कि फाइनल मतलब क्वेश्चन में जो भी पेपर बनता है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन गिवन रहते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन को सेम मार्क में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से सभी क्वेश्चन को 16 16 16 मार्क को डिवाइडेशन किया जाएगा, ऐसे ये टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। पर उसमें से हमको टोटली ये प्रॉब्लम बेस पर नहीं है, पर यूनिट नंबर 1 में हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में ए थ्योरी 8 मार्क, बी थ्योरी 8 मार्क और सी थ्योरी 8 मार्क, डी थ्योरी 8 मार्क, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में हमें टोटली क्या गिवन है, थ्योरी गिवन है। तो पर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक यहाँ पर कितने ग्रुप डिवाइड है, 2 ग्रुप डिवाइड है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और अगर आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, गौर से सुनिए, अगर आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक तो ग्रुप 1 को सॉल्व करो, नहीं तो ग्रुप 2 को सॉल्व करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से एक क्वेश्चन लिया और यहाँ से एक क्वेश्चन लिया मतलब 16 मार्क का वैल्यूएशन होगा, नो, ठीक है। उसका वैल्यूएशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये ग्रुप सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये ग्रुप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से एक या इसमें से एक, ऐसा कुछ भी चलेगा नहीं। अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मार्क का डिवाइडेशन सिर्फ 8 के मार्क पर भी, 8 मार्क के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। इसीलिए ये एक बात अच्छे से ध्यान में रखना कि ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, एक तो ए बी सॉल्व करो, नहीं तो सी डी सॉल्व करो, ठीक है। इसमें से ए और इसमें से डी या इसमें से बी और इसमें से सी आप सॉल्व कर नहीं सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इसमें पूरी थ्योरी गिवन है, उसके बाद ये और ये भी पूरा यूनिट नंबर 1 पे, पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन है ये पूरा यूनिट नंबर 1 पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए थ्योरी 8 मार्क, बी प्रॉब्लम 8 मार्क सैलरी के अंडर, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर, ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 पर आता है और प्रॉब्लम आता है 16 मार्क के लिए, ठीक है। जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का पैटर्न रहता था, ठीक है, वैसे भी ये पैटर्न रहेगा, 8 मार्क थ्योरी, 8 मार्क प्रॉब्लम और 16 मार्क हमारे पास क्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा। और ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पर रहेगा, यूनिट नंबर 2 इनकम फ्रॉम सैलरी पे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे भी 8 मार्क थ्योरी, 8 मार्क प्रॉब्लम एंड और सी प्रॉब्लम 16 मार्क, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 जैसे, पर इसका जो कैलकुलेशन मतलब ये जो रहेगा वो टोटल डिपेंड करेगा यूनिट नंबर 3 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
ओके, हाउस प्रॉपर्टी पे टोटल ये डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए थ्योरी, बी प्रॉब्लम और सी प्रॉब्लम, 16 मार्क, 8 मार्क, 8 मार्क और 16 मार्क, ठीक है। तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कहाँ पर, यूनिट नंबर फोर, ठीक है, डिडक्शन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के एग्जांपल उसमें गिवन रहेंगे, ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर फाइव पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर फाइव पे टोटल फोर सब क्वेश्चन है और फोर क्वेश्चन सभी के सभी प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए थ्योरी है, प्रॉब्लम यूनिट नंबर वन, क्वेश्चन नंबर बी प्रॉब्लम यूनिट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर सी प्रॉब्लम यूनिट नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर प्रॉब्लम यूनिट नंबर फोर, ठीक है। इसी तरीके से हमें इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहता है, ये आज हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान में रखो, ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, ठीक है, और अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो आपको इसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि इसका कैलकुलेशन करता कैसे करते हैं। और उसके कुछ सेक्शन है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर 15, सेक्शन नंबर 15। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका सेक्शन नंबर है 22। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका सेक्शन नंबर है 56(1), ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसका सेक्शन नंबर है 45A, ठीक है। और देन इनकम नंबर देन रहता है इनकम फ्रॉम क्या बचा हमारा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका जो सेक्शन रहता है इनकम टैक्स।